बीच में यह है पवित्रा, पवित्रा जी। जी पवित्रा जी वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सभी को गुड मॉर्निंग कहना चाहती हूँ सर, जो भी इस चैनल में जुड़े हुए हैं। एक्चुअली मैं सबसे आज पहली बार इसमें शेयरिंग कर रही हूँ सर। बहुत अच्छा। मेरी नई ज्वाइनिंग है, मुझे छह सात महीने हुए सर मुझे ज्वाइनिंग। मैं कौशल्य की टीम से हूँ सर, सोनीपत से। जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हिम्मत करके आगे हो, ऐसी हिम्मत बनाओ, काम करो, शेयरिंग करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं सभी को सर गुड मॉर्निंग कहना चाहती हूँ, जितने भी हमारे अपलाइन हैं और डॉक्टर पांचाल हैं, एसएस गुप्ता हैं, सभी को सर, पिंकी जी हैं, मैं सभी को गुड मॉर्निंग कहना चाहती हूँ। उन सभी का धन्यवाद करना प्लेटफॉर्म पे ले आए, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। फर्स्ट टाइम है सर मेरा नेटवर्किंग कर रही हूँ, तो मेरा तो सर चाहती हूँ, तो मैं किसी बीमारी के बिजनेस के पर्पस से सर, तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ना चाहती हूँ सर। इसमें मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे सपने हैं कुछ जो मुझे पूरे करने हैं सर टीएम से, और मुझे दिख रहा है सर कि मैं इसमें अपने सपनों को पूरा कर लूंगी। मेरे नीचे सर टीम बननी स्टार्ट हो गई है, मेरा 6 स्टार वो हो गया है सर क्वालिफाई, अभी इसी महीने मैंने पिछले महीने ही किया था 25 तारीख को। और सर अभी मैंने अपना टारगेट लिया है कि मैं इसी साल में 7 स्टार तो क्या, मैं 8 स्टार भी बनना चाह रही हूँ। तो मैंने ऐसे ही सर अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और सर मैं प्रोडक्ट भी सारे इसके यूज किए हैं, और प्रोडक्ट भी काफी होते हैं। मैं पार्लर भी चलाती हूँ, तो मेरे पास काफी कस्टमर आते हैं, तो बताती हूँ इसके। सबसे बेस्ट हमारे लिए हुआ सर कि मेरी देवरानी यहाँ से ठीक हुई थी, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको यहाँ घूम रहे थे, तो वो मैं ठीक हुई थी सर, उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग की। तो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं और बेटर लाइफ, बेटर लाइफ, बेटर चांस, बेटर लाइफ, आई एम अ डायमंड सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत आई लव कैंसर। आप जैसे लीडर्स के लिए है, और ये कैसी जगह है जहाँ पे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो, हिंदुस्तान में लोग आपको जानेंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, नहीं तो कितने पैसे खर्च होते हैं तब भी पता नहीं किसको पता चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पे धीरे धीरे आपकी खुशबू फैलेगी पूरे हिंदुस्तान में, एक दिन ऐसा भी हो सकता है जिस दिन आपको पूरी दुनिया में लोग जाने, ऐसी शुभकामनाएं हमारी सबके लिए है। कहते ना कि आपको आगे आना पड़ेगा, आपको आके अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला धक्के मारने के लिए दुनिया में, खुद को धक्का खुद ही मारना पड़ेगा। और बाई चांस हम लोग इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं मिलकर, मैं जरूर आपको शुभकामनाएं दूंगा। बिल्कुल आपने दृढ़ निश्चय कर लीजिए, मुझे 8 स्टार जाना है 2021 में, आप जाएंगे। आपने सोच लिया ना, और आपने हर रोज अपने मीटिंग वगैरह डेमो वगैरह करते चले गए अपनी टीम में, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा ये चमत्कार कैसे हो गया, पैसे भी आएंगे साथ में। और जो आपने बोला ना वर्ड, ये बोलना कि मैं सपने देख रही हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, इसमें जादू है। जब मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं 25-26 साल का हो गया था, शादी शुदी सब हो गई थी, तो मुझे ये पता नहीं था ये सपने भी देखने पड़ते हैं, ये सपने नाम की भी कोई चीज होती है, ये सपनों में भी कोई शक्ति है। लेकिन ये बात पक्की है, जब इस इंडस्ट्री में आया था, नॉर्मली मैं सपने में गाड़ी लेने की तो दूर है, मैंने नया स्कूटर नहीं सोचा था जिंदगी में कि मैं शायद पुराने स्कूटर में मर जाऊंगा, ऐसा लगता था मेरे को जब मैं धक्के खा रहा था फरीदाबाद में। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे को लगा अब तो गाड़ी आ जाएगी, मैं तो लाल रंग की लूंगा, बोला पहले था शुरू से लाल रखी है ताकि लोगों को अलग से याद रहे, हाँ यार लाल बोल रहा था ये पक्का याद है हमें। तो बस एक के बाद एक काम, सेम चीज है कि ड्रीम होना जरूरी है। और सभी लोग डिसाइड कर लो, कोई दिक्कत है घर में, कितनी तकलीफ है, पैसे की दिक्कत है, छोटे मोटे 100 लफड़े होंगे, आपकी पहली गाड़ी कौन सी होगी, पहली कार कितने लाख की होगी, लिख लो डायरी में, लिख लो, देखा जाएगा। मैंने बताया आपको, अपने आप से लड़ाई करो, अपने आप से झगड़ा करो, अपने आप से कि मैं लिखूंगा, तो भगवान दिमाग बोलेगा लिख रहा है, अभी हालात खराब है, गाड़ी उससे पहले वाली सोच ले ना,
सोचूंगा क्यों रनिंग में आ रहे हो आप यहाँ पे, ये कोई कपिल शर्मा का शो थोड़ी है कि मैं एंटरटेनमेंट करना, तो मुझे वैसे नहीं आता ना, मैं जोक सुना सकता हूँ आपको यहाँ पे, है ना। मैं हर रोज आता हूँ, कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके आता हूँ, और एक मीडिया है ये, ऐसा नहीं है कि हर रोज भी हम बड़े काम की बात करेंगे। सिर्फ मिलना, इस टाइम को यहाँ पर आकर निकालना, सुनना, समझना, उस माहौल के अंदर घुसना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असली जो जादू शुरू होता है माहौल में रह के, जैसा कहते जैसी संगत ऐसी रंगत, ये तो हमने सुनी है, ये पहले से मान्य है कि जैसी संगत होगी हमारी वैसी रंगत होगी। सपने देखिए, अपने गाड़ी का लिखिए, मेरी गाड़ी ये होगी। और आजकल आप पता भी कर लीजिए मार्केट में गाड़ी कितने कितने की आती है। चलो मैं चांसी कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कौन सी ले लूंगी मैं। और मैं बोलता 5 लाख से नीचे की सोचना मत, बेचती है चांसी की। अभी चाहे 5 रुपए नहीं है जेब में, टेंशन मत लो, लिख लो, लेकिन हमको जा थोड़ी रहा है। नाम तो पवित्रा जी का है, लेकिन सबको बता रहा हूं मैं आपको। और बाकी आप जो फीलिंग शेयर करते हो, खूब सोच विचार के आओगे, लेकिन यहाँ भूल जाओगे, क्यों नए नए हो, लेकिन जैसे जैसे निखरोगे आप, बार बार आओगे, बार बार आओगे, फिर तो वही बोलोगे जो सोच के आए थे आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लीडर्स के लिए, वंस अगेन पवित्रा जी के लिए ऑल द बेस्ट, जल्दी सीट्स बने और गोल्ड लाइन जाए।